क्या आपने कभी मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस किया है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आज आपने सोचा और अगले दूसरे या तीसरे दिन एग्जैक्ट वही चीज़ आपके सामने आ गई है, या वो मैनिफेस्ट हो गई है, या एक्चुअल में वैसा हुआ जैसा आपने सोचा था? अगर आपने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं किया तो अब करोगे विद इन 1 वीक। एक हफ्ते के अंदर आप इस एक्सपीरियंस को करने वाले हो, क्योंकि आज जो मैं एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैजिकल फैमिली के लिए लेकर आई हूँ, उसमें आप एक हफ्ते के अंदर कोई एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करोगे। चॉइस आपकी होगी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से आपको एक टारगेट देने वाली हूँ कि आपको ये मैनिफेस्ट करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैग्नेटिक पावर क्या है, आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं, आप का ब्रेन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड जो है लाइक कितना पावरफुली काम करता है, आपकी लाइफ में एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे कि वो सोच की वजह से हैं या इन्वायरमेंट की वजह से हैं या कैसे। तो क्या आप रेडी हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको भी एक्साइटेड होना है। तो नेक्स्ट संडे मैं एक वेबिनार लेकर आ रही हूँ। आप लोग ना सिर्फ देखो, उस वेबिनार का मैनिफेस्ट होना या ना होना बहुत कंपल्सरी नहीं है, और यही एक्चुअल में जब हम चीज़ों से डिटैच होते हैं तब वो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं ये आपको एक्सपीरियंस करवाने वाली हूँ। मेरी तरफ से ये टारगेट रहेगा और आप अपनी तरफ से भी चूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से समझ लेना, नेक्स्ट संडे एक वेबिनार आएगा जिसमें मतलब एक टॉपिक है उसका, हील योर सोल हील योर डेस्टिनी, यानी कि सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड वो वेबिनार हमारा होने वाला है। तो आपको ना क्या करना है, आज आपको बैठना है, संडे है, ठीक है, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है सिंपल सी कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैंने उस वेबिनार को ज्वाइन किया और उस वेबिनार को ज्वाइन करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई और जो मतलब मेरे डाउट्स थे, जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। जैसे कि आप वेबिनार के बाद फील करते वैसा आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से यही क्यों मैनिफेस्ट करना है, ये पूरी मैजिकल फैमिली के लिए चैलेंज है। देखते हैं कि कितने लोग इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, अगर वो वेबिनार मैनिफेस्ट हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, आपको उससे कोई खास अटैचमेंट नहीं है। आप जब भी कोई चीज़ में लाती हूँ ना, आप सबसे पहले लिमिटेशंस ले आते हो, टाइम की, मनी की, फैमिली की। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें और आप इसमें सक्सेसफुल हों। आपने स्क्रिप्टिंग कर दी और फिर उसके बाद अगले एक हफ्ते के लिए आपको उसको एक ही बार लिखना है और उसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद एक्ट एज इफ में आपको क्या करना है, ऐसा करके कई सारे लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, आपको ना एक ग्रुप क्रिएट करना है एज इट इज़, वैसा ग्रुप जैसा मेरी टीम क्रिएट करेगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको उस ग्रुप में जो है ना वो ऐड किया जाएगा। तो ग्रुप का नेम भी मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, आप उसमें सिंपल लिखेंगे सेल्फ हीलिंग वेबिनार, और उसको बना लिया आपने सेल्फ के साथ, और वहाँ पर आप एवरीडे कुछ अच्छा लिख रहे हैं, आप जो है ना एक्साइटेड हैं उस ग्रुप को देख के, आप अपनी सक्सेस स्टोरी वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आफ्टर वेबिनार आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इस तरह से आपको दूसरी ये ट्रिक अपनानी है, ठीक है। तीसरा जो है ना, आपको दिन में एक दो बार आपको प्रेजेंट टेंस में नहीं, आपको इस तरह से अपनी सेल्फ टॉक में ऐड करना है कि वो वेबिनार मेरी लाइफ का बेस्ट वेबिनार था, जिसके बाद मेरी पूरी लाइफ को लेकर मुझे क्लैरिटी मिल गई है, मैंने सबको फॉरगिव कर दिया है। मतलब जो भी तरीके आप अपना सकते हो, जिनमें भी आपको फील आती है, अगर आप स्क्रिप्टिंग में 3x3x3 में इंटरेस्टेड हो, हाँ ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो 4x4x4 5x5x5 में भी, तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, देखते हैं क्या होता है। आप करके तो देखो, आपको ये रियलाइज हो जाएगा वेबिनार आपके लिए ना इतना छोटा सा टारगेट है, इतना छोटा सा, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो इससे ना आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और ये पूरी मैजिकल फैमिली के लिए एक टारगेट है, एक टास्क है, एक गोल है। अच्छा, इसके बाद आपको बिल्कुल परेशान भी नहीं होना, नहीं हुआ तो या कुछ भी है, और इसके अलावा चाहो तो और भी कोई चीज़ आप टारगेट बना सकते हो जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, लाइक कोई मूवी देखना हो, कोई ड्रेस मैनिफेस्ट करना हो, कोई छोटी सी मनी की अमाउंट मैनिफेस्ट करनी हो, कहीं पर ट्रिप मैनिफेस्ट करनी हो, तो इस तरह की चीज़ें आप मैनिफेस्ट करके देखो। सारी चीज़ों को साइड करके आप एक हफ्ते बस इसको एक्सपीरियंस करके देखो, क्या आप रेडी हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और रही बात ये कि वेबिनार की डिटेल्स आपको टीम से मिलेंगी, ठीक है, पिन कमेंट चेक करना। वेबिनार्स की डिटेल लेने के बाद आपको ना वाव फील करना है, मतलब एकदम से ऐसे नहीं कि कैसे, कब, कहाँ, टाइमिंग को देख के, किसी भी चीज़ को देख के, बस ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने इसलिए करवाना है क्योंकि एक सिंपल टास्क मैं सबको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि उसमें एक कॉम्पिटिशन, मतलब एक ऐसा रहेगा कि सबको करना है। दूसरा, मैं यहाँ पर कंपलसरी नहीं कर रही, इसके अलावा जो मैंने और ऑप्शंस दिए हैं इनमें से भी आप कोई भी एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी स्क्रिप्टिंग पावर पता चलेगी, आपको अपनी
सेल्फ टॉक की पावर पता चलेगी, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर पता चलेगी। तो आप सबको करना है, क्या आप रेडी हैं? नेक्स्ट संडे बहुत पावरफुल वेबिनार मैं लेकर आ रही हूँ, और इस मंथ में वेबिनार्स ही आने वाले हैं, क्योंकि वेबिनार्स काफ़ी दिनों से नहीं आए हैं। वेबिनार उन लोगों के लिए बहुत सूट करते हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते और जो रेगुलर यू नो टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए वेबिनार में कंप्लीट पैकेज होता है। आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइफ टाइम आपके काम आ सकती है। मुझे अचानक से इंट्यूशन आई है, और मैं जब भी मुझे कोई इंट्यूशन आती है मैं वो चीज़ कर देती हूँ। अब उसको लेकर मतलब क्या रिजल्ट होता है आई डोंट नो, और हमेशा अच्छा ही होता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा और ये एक्सपीरियंस कौन कौन करना चाहता है? आपको ये जो आते हैं ना पहले थॉट, लैक ऑफ मनी, सोर्स नहीं है, टाइम नहीं है, फैमिली का एनवायरनमेंट गलत है, ये सारी चीज़ें अगर आप एक छोटी सी चीज़ के लिए भी दूर नहीं कर सकते ना अपने आप से, तो फिर आप ये सोचो कि जो आपका इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन है उसके लिए फिर और कितना रेजिस्टेंस हम फील करने वाले। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर लेते हो ना, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन पावर पे बिलीव हो जाएगा। सोचने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है, इमेजिन करने में क्या जाता है, कोई पैसे नहीं लग रहे। मैनिफेस्ट हो गया आपका ही बेनिफिट है, नहीं हुआ तो आपका और ज़्यादा बेनिफिट है कि आप और ज़्यादा अच्छे से अपने ऊपर काम करोगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन रेडी है कमेंट में ज़रूर बताना, कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट में ज़रूर बताना। और रही बात सेल्फ लव सीरीज़ की, तो जो लोग पीछे रह गए हैं 14 डेज हमारे कंप्लीट हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी बहुत क्लैरिटी के साथ। 45 डेज का जो मैनिफेस्टेशन चैलेंज मैं लेके आई हूँ उसमें कैसे कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं कल या जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्लियर कर दूंगी, क्योंकि कल इलेक्शंस थे, आज भी मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम मिला तो इंट्यूशन के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी इंट्यूशन आई है अभी ये काम कर दो, ठीक है? सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताना कौन कौन ये चैलेंज ले रहा है। टेक केयर एवरी वन एंड